यानी कि पहला ग्रुप जो है वो एकदम पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल निगेटिव है। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आइए हम अपने फाइनल केस को समझें और सीखें इसे। दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड द निगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में हम शुरू करें, जिसके दोनों पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी एज वेल एज निगेटिव भी, ठीक है। चलिए तो पहला शुरू किया जाए, कास्ट इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज मीन्स असमानता। पहले से ही हम लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जब वेदों का निर्माण हुआ तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कास्ट का जो है एक कास्ट सिस्टम बना, ठीक है, यानी कि चार भागों में कास्ट को बांटा गया, ठीक है। पहला, अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण दियर वर्क इंक्लूड टू एजुकेट द चिल्ड्रेन ऑफ द किंग, ठीक है, यानी कि उस देश के जो भी बच्चे होते थे उनको एजुकेट करना, रिचुअल्स जो परंपरा के अनुसार पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कराना, दीज वर द वर्क्स ऑफ ब्राह्मिन्स। दूसरा जो ग्रुप हुआ दैट इज नोन एज क्षत्रिया, क्षत्रियाज, ठीक है, या जिसे हम राजपूत भी कहते हैं दूसरे भाषा में, ठीक है। तो क्षत्रियों का काम क्या था? उनका काम था देश की रक्षा करना, शत्रुओं से देश को बचाना, रक्षा करना और शासन करना, ठीक है। द थर्ड डिवीजन वॉज द वैश्याज। देयर वर्क इंक्लूड टू सेल द थिंग्स एट द मार्केट और हाट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उनका काम क्या था? वैश्यों का सामान बेचना, यानी कि व्यापार करना, इधर का सामान उधर, वहाँ का सामान यहाँ बेचना, ठीक है, यही वे लोग करते थे। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट कास्ट सिस्टम वॉज दैट इज शूद्रास। देयर वर्क इंक्लूड वाइपिंग एंड स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर्स, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन, वर्किंग इन द फील्ड्स, खेतों में काम करना, घर में झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, ये काम उन्हें सौंपा गया। चूँकि देखिए, ये जो कास्ट सिस्टम जो बना, इसके पीछे कोई कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कूटनीतिक बातें नहीं थी, ठीक है। कास्ट सिस्टम बना उस समय के लोगों को पहचानने के लिए, ताकि हम इसे पहचान सकें कि हाँ वो फलाना गांव का है, ठीक है, या वो उस शहर का है, उस जगह का है, ठीक है। एक अलग अलग टाइटल आगे चल कर के लोग लगाने लगे। ब्राह्मणों में भी अलग सारा कई सारे सब कास्ट उसमें बनते चले गए, ठीक है, उधर क्षत्रिय में भी कुछ सब कास्ट बने, वैश्यास में भी और शूद्र जो थे उनमें भी कुछ कास्ट बने। तो आइए इसको देखा जाए, कास्ट इनइक्वालिटीज कैसे शुरू हुआ अपने देश में। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, यानी कि जेंडर, लिंग एंड रिलीजन और धर्म के अलावा जो तीसरा जो डिवीजन है दैट इज कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, और वो भारत में क्या है तो स्पेशल है, खास है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन्स ऑफ लेबर। जितने भी सोसाइटीज होती हैं
सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और लेबर लेबर यानी कि सबको अलग अलग काम में बांटना, ठीक है। कोई खेत में काम करता है, कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई सब्जियां बेचता है, कोई मजदूरी करता है, ठीक है, कोई दुकान चला रहा है, कोई प्राइमरी, कोई देश चला रहा है, ठीक है। तो सबका सब मतलब ऑक्यूपेशन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, लेबर को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अधिकांश जो सोसाइटी में आप देख सकते हैं, जो ये सोसाइटी का निर्माण हुआ है, वो उन्हीं वर्ग के आधार पर, उन्हीं काम के आधार पर उनका एक सोसाइटी आगे बढ़ा है। जैसे जो ब्राह्मणों का जो पुत्र होता था, जो बेटा या उसका जो वंशज होता था, उनके उनका काम भी वही था जो उनके पिता करते थे, ठीक है। जो टीचर थे या पूजा पाठ कराते थे, तो उनका वही काम रहेगा। तो ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन बढ़ते चला गया। कोई अगर मिठाई बेचने वाला था, तो उसका बेटा भी आगे चल करके मिठाई ही बेच जाए। कोई अगर देश चला रहा था, एक राज्य पर शासन कर रहा था, तो उसका बेटा भी जो है वही शासन कर रहा था। मीन्स ये ऑक्यूपेशंस जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दो से चार, इस तरह से मतलब आगे बढ़ते चला गया। इट स्टिल कंटिन्यूज इन आवर सोसाइटी। अभी भी यह कास्ट सिस्टम जो है अभी भी चला ही आ रहा है। ऑक्यूपेशंस कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, और कास्ट सिस्टम भी इसी का एक फॉर्म है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वॉज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। दूसरे सोसाइटी से इसे अलग क्या चीज़ करती है, तो ये है, इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन में
शादी भी होती है एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स। और पहले जो होता था तो जो दूसरे कास्ट ग्रुप के जो लोग होते थे उनके साथ वो बैठकर खाना भोजन नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए आज आप जो देखते होंगे सभी जाति सभी अलग अलग धर्म के लोगों का जो टोला या स्ट्रीट कहिए या गांव कहिए या एक तरह से अलग बसा हुआ है। आप देखते होंगे ब्राह्मणों का एक अलग गांव है, क्षत्रियों का अलग गांव है, ठीक है, जो शूद्र हैं उनके उनके गांव अलग हैं, जो क्षत्रिय जो लाला जी हैं वैश्य हैं उनके गांव अलग हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउट कास्ट ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम पूरी तरह से डिपेंड करता था आउट कास्ट ग्रुप यानी कि दूसरे कास्ट के लोगों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता था उसी पर यह कास्ट सिस्टम आधारित है। दे वॉज सब्जेक्टेड टू द इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अक्सर उन्हें इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ठीक है यानी कि छुआछूत माना जाता था। दैट इज वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, नायकर एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर अब्सेंट। इसीलिए हमारे जो महान नेता थे जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को हटाने के लिए इन्होंने वकालत की। उसके बाद है सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सामाजिक और धार्मिक भारत की सामाजिक और धार्मिक विभिन्नता। ठीक है, आइए इसको पढ़ा जाए। द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। यानी कि भारत का जो सेंसस है वह सभी धर्म के लोगों का और सभी जाति मजहब के लोगों का एक रिकॉर्ड जो है तैयार करके रखती है। हर एक 10 वर्षों की अवधि पर यह सेंसस रिकॉर्ड किया जाता है। द पर्सन हु फिल्स द सेंसस फॉर्म विजिट्स एवरी हाउस होल्ड एंड रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड एग्जैक्टली द वे ईच पर्सन डिस्क्राइब्स इट। यानी कि वह व्यक्ति जो जनगणना करता है वह घर घर जाकर के सभी लोगों से सूचना लेता है और उनके कास्ट के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में सारा चीज़ें जानकारी प्राप्त करता है। इट समटाइम इफ़ समवन सेज शी हैज़ नो रिलीजन और दैट ही इज़ एन एथीइस्ट, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ रिकॉर्डिंग। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है, आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, तो उस रिकॉर्ड में मीन्स द पर्सन इज एथीइस्ट। एथीइस्ट मतलब नास्तिक, अनिश्वरवादी, ठीक है, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, तो उसके फॉर्म में ठीक वैसा ही लिखा जाएगा जैसा कि उसने कहा है। Thus we have reliable information on the proportion of different religious communities in the country and how it has changed over the years. इस तरह से
हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह रिलीजियस कम्युनिटी दिन प्रतिदिन सालों बढ़ता चला गया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। द पाई चार्ट बिलो प्रेजेंट्स द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सिक्स मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज इन द कंट्री। भारत में ये नीचे जो एक पाई चार्ट दिया गया है इसमें मुख्यतः छह जो बड़े रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। सिंस इंडिपेंडेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज़ इंक्रीज सब्सटैंशली बट दियर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ नॉट चेंज्ड मच। इंडिपेंडेंस से यानी कि आज़ाद होने के बाद से हर एक कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा है सब्सटेंशली बट दियर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ नॉट चेंज्ड मच। लेकिन भारत में जो इसका प्रोपोर्शन है अनुपात है वो ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है। इन परसेंटेज टर्म्स द पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज जैन्स एंड क्रिश्चियंस हैव डिक्लाइंड मार्जिनली सिंस 1961। अगर परसेंटेज की बात करें तो 1961 ईस्वी से हिंदूज जैन और क्रिश्चियन का पॉपुलेशन जो है परसेंट के मामले में ये कम होते चला गया है। इट हैज़ बिन डिक्रीजिंग सिंस 1961। द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम सिख एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड स्लाइटली। जबकि मुस्लिम सिख और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में जो है इनका अनुपात बढ़ा है, पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। देयर इज अ कॉमन बट मिस्टेकन इम्प्रेशन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम्स इन द कंट्रीज पॉपुलेशन इज गोइंग टू ओवरटेक अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। ऐसा लोग एहसास जता रहे हैं, ऐसा लोग कह सकते हैं कि मान रहे हैं कि इस देश में मुस्लिम की जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह किसी दूसरे कम्युनिटीज़ को पीछे छोड़ दें। एक्सपर्ट एस्टिमेट्स डन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमिटी पॉपुलरली नोन एज साचार कमिटी शो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम्स इज एक्सपेक्टेड टू गो अप अ लिटिल बाय अबाउट 3-4% इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर का जो हाई लेवल कमिटी है जिसको हम लोग साचार कमिटी भी कहते हैं, ठीक है, तो साचार कमिटी में यह दिखाया गया है, यह एक्सपेक्ट किया गया है कि आने वाले 50 वर्षों में मुस्लिमों की जनसंख्या 3-4% बढ़ने का अनुमान है। इट प्रूव्स दैट इन ओवरऑल टर्म्स द पॉपुलेशन बैलेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इज नॉट लाइकली टू चेंज इन अ बिग वे। आप देख सकते हैं अगर पूरे टर्म की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटी जो है इनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जो थोड़ा सा बाकी रह गया है इसमें इसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।